हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ आयुष एंड आज मैं जा रहा हूँ चित्रॉन C5 एयर क्रॉस को लेके बहुत अच्छी लॉन्ग ड्राइव पे। और यहाँ पर हम इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। तो सुबह के ऑलमोस्ट 5:15 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट आज बहुत ज़्यादा लेट हुआ था, सो डेफिनेटली आँखों में नींद दिख रही होगी, बाद से भी फील हो रहा होगा और आवाज़ भी भारी हो जाती है सुबह सुबह। तो चलिए चलते हैं, जयपुर चलेंगे। मुझे वहाँ पर थोड़ा कुछ छूट का काम निपटाना है, फिर उसके बाद में थोड़ा आगे भी चलना है। तो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीज़ें मैं आपको बीच में बताते हुए चलूँगा, अपडेट करते हुए चलूँगा और साथ के साथ में इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट भी करेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं सबसे पहले फ्यूल स्टेशन, पूरा ब्रिम टू ब्रिम ऊपर तक ऑटोकट वाला टेस्ट करेंगे, तो ऊपर तक भरवाएंगे, फिर वापस से जब गाड़ी ख़त्म हो जाएगा फ्यूल, फिर वापस ऊपर तक फ्यूल करवाएंगे, तो इससे पता चलेगा। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाला है। आज तक मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देखा जिसमें C5 एयर क्रॉस का किसी ने माइलेज टेस्ट करा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल करनी है भैया। अच्छा उधर से भर रहे हो क्या? हाँ जी, इधर बोल देते हैं, इधर लगा देता हूँ। डीजल है ना? हाँ डीजल है, और ऑटो कट पे ऑफ हो जानी चाहिए। ठीक है, आपने हाथ नहीं लगाया ना ऑटो कट में? ठीक है, बाहर कर लीजिए। बस ऑलमोस्ट फुल थी, और रात में थोड़ी बहुत चला दी थी यार जाके। अच्छा हाँ, और मेरे को टेस्ट करना था नाना, तो होगा फिर। तो ये पेट्रोल पंप पे बस वहाँ से यहाँ लेके आया हूँ, और अब मैं ट्रिप जो है रिसेट कर दे रहा हूँ। आप लोगों को दिखा के यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, रेंज बता रहे 740। तो ट्रिप ए तो रहने देते हैं क्योंकि जितनी रात में चलाई थी वो 20 किलोमीटर के आसपास। ट्रिप टू जो है उसको मैंने ज़ीरो कर दी है, तो वापस से जब भरवाएंगे तो अपन देखेंगे कि ट्रिप टू जो है वो कितनी हो रही है। और ट्रिप वन आप लोगों के सामने है, अभी तक जितनी रात में 5-6 किलोमीटर चल गई थी। सो गाइज ये सीन है, चलते हैं, चलाते हैं, देखते हैं कि एक टैंक में कितनी चलती है। 52.5 लीटर के अप्रोक्स जो है C5 एयर क्रॉस का फ्यूल टैंक होता है। तो अभी मैं दिल्ली क्रॉस करके अभी पहुंचा हूँ मानेसर टोल पे, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे के आसपास लग गया। सुबह सुबह ट्रैफिक है यार, बताओ 6:30-7 बजे के आसपास में। तो फास्टैग बस बनाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। बाहर का सीन जो है वो देख लो, कुछ इस टाइप का सीन है। और कितनी चली है गाड़ी ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। अभी चल गई है 65 किलोमीटर टोटल। लेट्स सी टोटल कंप्लीट कितनी चलेगी एक ट्रिप में, ये मतलब एक टैंक में। सो फाइनली 330 किलोमीटर चलाने के बाद में मैंने ब्रेक लिया है। बीच में रुका था पेट्रोल पंप पे वॉशरूम के लिए, बट उसके बाद में वहाँ पर लेके रुका नहीं मैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अभी एक खाली ऐसी जगह मिली है जहाँ पर छाँव है पेड़ की, और सड़क से थोड़ा सा नीचे उतार के गाड़ी खड़ी करी है, बिकॉज जो व्लॉग वाला चैनल है उस पर मेरे को वीडियो डालनी है। 330 किलोमीटर गाड़ी चली है और माइलेज बता रही है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर 18.8 KMPL का। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार 1.5-2 किलोमीटर का भी अगर गैप रहा और 16 किलोमीटर पर लीटर भी अगर ये माइलेज दे रही है, तो यार बहुत ज़्यादा माइलेज है इस पर्टिकुलर कार के लिए। मैंने एक्सपेक्ट करा था 12 के आसपास का माइलेज जो है मैं इससे निकाल लूँगा एवरेज ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। बाकी देखेंगे वापस से पेट्रोल फुल करवा के पेट्रोल आधा कितना है, उस पर ही पता चलेगा कि माइलेज जो है वो गाड़ी ने कितना दिया है। तो अभी मैं काम कर लेता हूँ, उसके बाद में क्या सीन है वो अपडेट मैं आपको देता हूँ। सो गाइज अब धूप हो गई है बहुत ही ज़्यादा, 12 बज गए दिन के, और दूसरे वाले चैनल पर मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया। व्यू काफ़ी बढ़िया है बाहर, अंदर का भी व्यू काफ़ी अच्छा है। ये जो लोगो है ना पर्टिकुलर, ये मेरे को कार का काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सीन है, और वापस से चलें 330 किलोमीटर चलाने के बाद में। फ़ोन आ गया, फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ मैं, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। बाकी अभी तो रोड अब ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है एज इन टच। सो गाइज अभी मैं रुका था वापस थोड़े बहुत फ्रूट्स खाने, व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया, और अब मैं वापस से गाड़ी लेके निकल रहा हूँ। इस कैमरे से अब आप व्यू देखो, यहाँ से देखते देखते आप मेरे को बोर हो गए होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको थोड़ा सा रोड बताऊँ, गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करवाऊँ, और कितना कुछ माइलेज मिला है अभी 350-400 किलोमीटर जितनी चली है मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। अब यहाँ से देखो, तो निकल रहे हैं यहाँ से अभी,
और एग्जैक्ट मैं चला हूँ 356 किलोमीटर अभी तक सुबह से। बीच में दो तीन बार रुकना पड़ा, आधा घंटा वो व्लॉग अपलोड करना था मेरे को 12 बजे एग्जैक्ट, तो इसलिए रुका था। बाकी एक दो बार ऐसे नॉर्मल दूसरा ब्रेक था ये वैसे तो, मतलब एक बार रुका था जो आपको अपडेट करा था आई थिंक पेट्रोल पंप पे लास्ट टाइम वॉशरूम के लिए, और हाथ मुंह धोए थे थोड़ा मैंने, और अभी थोड़ा फ्रूट्स खाए मैं लाइक रास्ते में भी खाते जा रहा था, और वीडियो अपलोड करने के लिए बीच में, तो लाइक ये तीसरा ब्रेक था मेरा 10-10 मिनट का, मतलब आधा घंटे का ब्रेक लिया होगा मैंने बीच में। अब बात करते हैं C5 एयर क्रॉस के बारे में कि ये जो गाड़ी है वो कैसी चल रही है, अभी तक मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। खैर डिटेल रिव्यू जो है वो इसके ऊपर 100% बहुत ही बढ़िया वाला आने वाला है, तो मेक श्योर कमेंट कर दो, एक कमेंट तो कर ही दो जो भी लोग देख रहे हैं कि हाँ पर्टिकुलर ये सारी चीज़ें जो है वो कवर करनी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं पूरा डिटेल करने के चक्कर में भी एक या दो चीज़ अगर मिस हो जाती है ना तो फिर मेरे को बाद में बड़ा बुरा लगता है। और अगर आप लोग भी इन्वॉल्व होगे वीडियो के अंदर, आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे कि हाँ यार आयुष ये कर लो वो कर लो, मेरे को मोटिवेशन आता है, अच्छा फील होता है कि हाँ यार ये भाई हैं अपने जो इनको देखना है। और फिर उससे क्या होता है कि वीडियो के जब मैं शूट कर रहा होता ना तो मेरे को सारी चीज़ें याद रह जाती है, मतलब सिर्फ आपकी कमेंट्स करने से कि हाँ यार उसने ये बोला था इसने ये बोला था, मेरे को ये सब चीज़ें बतानी है। और लगभग मैं इस गाड़ी को 2000 किलोमीटर के आसपास जो है वो रन कर लूँगा डिटेल रिव्यू करने के टाइम तक मोस्ट प्रोबेबली, और रात में भी चलाएंगे। नाइट ड्राइव रिव्यू जो है वो भी इसका एक डिटेल डेप्थ में करने वाला हूँ, बिकॉज जो इसकी हेडलैम्प है वो काफ़ी बढ़िया थ्रोज जो है वो देती है। लाइक मैं दिन में भी ऐसे करता हूँ ना तो मेरे को सामने कहीं ना कहीं अगर गाड़ी जैसे यहाँ है तो मेरे को ट्रक पे भी ये दिख गया हल्की सी लाइट, तो थ्रोज के मामले में काफ़ी अच्छी है। अब चलाएंगे रात में बहुत अच्छी तरीके से तो पता चलेगा, मतलब 400-500 किलोमीटर मैं रात में चलाने वाला हूँ। आज सुबह भी मैंने 1-2 घंटे तक मैंने चलाई, अंधेरे में था उस टाइम पे, 1 घंटे के आसपास था अंधेरा, ज़्यादा नहीं था, तो उस एक्सपीरियंस को मैं इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लूँगा, अलग से एक्सपीरियंस लूँगा। बाकी क्या ग्लाइड करते हुए जाती है। और कल जिन लोगों ने अगर आयुष जिन व्लॉग्स पे व्लॉग देखा होगा तो मैं मर्सिडीज मैबैक S50 जो है 580 जो है उसके अंदर पूरे दिन चल रहा था, तो एक प्रीमियम लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी कार से इस गाड़ी के अंदर आया तो मेरे को ये फील नहीं हुआ कि अरे यार मैं ये क्या कर रहा है, लाइक मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मैं हिल रही है या बहुत ज़्यादा अंडुलेशन फील हो रहे हैं, नहीं, वो कंफर्ट कहीं ना कहीं जो है वो कुछ लेवल तक मैच ही गाड़ी कर रही है, मतलब लाइक मैं उससे कंपेयर कर ही नहीं सकता, वो 3 करोड़ की है ये 40 लाख की है, ठीक है। वैसे इसके अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाएगी, मैच कर लो, मेरी मैच थोड़ी सी कमज़ोर है, बट स्टिल जो प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है 50 लाख रुपये के अंदर भी अगर आप गिन लो ना तो कोई ऐसी गाड़ी नहीं जो इतना कम्फर्ट जो है आपको प्रोवाइड करे, अलग लेवल का कम्फर्ट। और जो इंजन और जो गेयरबॉक्स क्या मतलब पूरा ट्यून वगैरह करा हुआ है ना वो उस लेवल का है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है। लाइक 100-120 पे मैं चल रहा हूँ नीचे, मतलब मैं देखता हूँ तो अरे यार ट्रिपल डिजिट पे पहुँच गया, अरे यार 120 क्रॉस कर ली, वो बीप आती है बट इसका म्यूजिक सिस्टम चलता हुआ रहता है हमेशा, मैं गाने सुनते हुए चल रहा था तो अगेन ध्यान नहीं जाती है वो बीप पे, तो मैं इस लिमिट जो है वो क्रॉस कर देता हूँ इस गाड़ी पे, तो उसका मेरे को ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। लाइक ये गाड़ी में स्पीड का पता नहीं चल रहा है लिटरली यार, मज़ा आ गया। इन लोगों से बचाया बस भगवान, और उसके बाद में राजस्थान में जो गाय आती है उनसे बचाए, क्योंकि ये खुद भी डैमेज होते हैं और अपने को भी डैमेज करते हैं। तो लो जी हमारा 29 किलोमीटर का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। मैंने सोचा था कि अभी 4-5 किलोमीटर और आप लोगों के सामने चलाऊंगा, बट यहीं से ट्रैफिक आ गया यार, मज़ा आ गया लिटरली। और डेफिनेटली माइलेज जो है वो काफ़ी वेरी करता रहता है, अभी 11.5-12 ऐसा कुछ जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी के आसपास जो है वो दे रही है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा बढ़ती जाती है कम होती जाती है, तो फ्यूल टैंक फुल करवाने पे ही माइलेज पता चलने वाला है कि कितना है एग्जैक्ट। और मैंने टोटल जो गाड़ी चला ली है वो मैं बताता हूँ आपको, 592 किलोमीटर जो है वो अपन चल चुके हैं, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर के आसपास होने वाले हैं, और अभी क्रूज कंट्रोल पे चल रहा हूँ वापस से थोड़ी देर से, 110 पे सेट कर रखा है। इस गाड़ी में एक्चुअली स्पीड पता नहीं चलती है, और 110 की स्पीड पे भी 1500 RPM 1600 RPM के आसपास ही जो है ये इंजन रह रहा है, मतलब अगर जैसे ये अभी स्लोप आ जाएगा ना तो 2000 RPM के आसपास जो है वो जाएगा, तो इस वजह से इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही बढ़िया आने वाली है, ये चीज़ तो क्लियर है। और बाकी बैठने करने में तो ही कम्फर्टेबल,
मेरे को अभी तक बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा कि यार मैं 600 किलोमीटर चल चुका हूँ। मतलब ऐसे अगर किसी को बोलते हैं ना कि यार 600 किलोमीटर गाड़ी चलाई, ओ भाई 650 किलोमीटर चला ली, वैसा वाला मुंह हो जाता है उन लोगों का। बट अगेन इसका जो कंफर्ट है वो काफी बड़ी। हाँ जी, MP आ गया है, मध्य प्रदेश, माई होम टाउन। तो अभी अपडेट ये है कि टोटल चल गए हैं 633 किलोमीटर और मैं जा रहा हूँ नीमच, मेरी दीदी से मिलना है और फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकलूँगा, मैं मेरे कज़िन को मुझे पिक करना है एंड देन चलेंगे सीधे अपने घर। सो गाइस, अभी जो है अपना गाड़ी चल गई है 850 किलोमीटर एग्जैक्ट और मैं आया हूँ पेट्रोल पंप पे। तो फ्यूल अप करते हैं और देखते हैं, और जो रेंज है वो अभी भी बता रहा है ऑलमोस्ट कितनी चल जाएगी, 35 किलोमीटर की रेंज अभी और बाकी बता रहा है कि अभी और चल सकती है। बट फिर भी अभी जो मेरे को जाना है वो थोड़ा सा लंबा है डिस्टेंस, तो बेटर जो है मैं इसको फ्यूल अप करवा देता हूँ। भरवाते हैं डीजल और देखते हैं कि कितना फ्यूल आता है इसमें। हाँ, ऑटोमेटिक वो उसके हिसाब से बंद हो जाएगा, लगा कि छोड़ जाएंगे भाई। हाँ भैया, डीजल ये ऐसा होता है, बंद बंद होता है बस, वही डीजल फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा वो। 46, 47, 48, 50, ओके 50 लीटर के आसपास आया है, 50.5 बाहर निकाल। तो डीजल फुल करवा दिया आपके सामने, 50.49 लीटर जो है वो आया है फ्यूल, और कितनी चली थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। अभी वापस से रेंज जो है वो 700 की आ गई यहाँ पर, और अपने ट्रिप टू है 850 किलोमीटर की, इसका मतलब 16.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला है। और कंपनी क्लेम करती है 17.5 KMPL का माइलेज, और ऑलमोस्ट 16.8 KMPL का माइलेज मिल गया जहाँ पर ट्रिपल डिजिट पे चल रहे थे ऑलमोस्ट, आप लोगों ने देखा। तो मेरे हिसाब से तो ये जो टेस्ट करा है वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, और आप लोगों को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू आने वाला है, तो मेक श्योर नीचे कमेंट कर देना जो भी क्वेश्चंस हो आपके, और बाकी सारी चीज़ें जो रिव्यू में कवर हो ही जाएगी, और एक अलग से नाइट ड्राइव रिव्यू भी जो है वो इस गाड़ी के ऊपर आने वाला है। सो गाइस, ड्राइव सेफ, राइड सेफ।